कौन है जस्टिस अब्दुल नजीर, जिन्होंने रिटायरमेंट पर पढ़ा संस्कृत श्लोक। अयोध्या राम मंदिर मामले में क्या थी जस्टिस नजीर की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन यादगार रहा, क्योंकि अयोध्या विवाद से लेकर ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल रहे जस्टिस एस अब्दुल नजीर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनकी रिटायरमेंट के मौके पर बार एसोसिएशन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपना अंतिम भाषण देते हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने अपने शानदार करियर के कुछ यादगार पलों को साझा किया। इस मौके पर उनकी विदाई के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक को पढ़कर जज के तौर पर अपना अंतिम भाषण दिया, जो न्यायपालिका की आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक नजीर बन सकता है। माई टू डिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस एट कर्नाटका वेर द मोस्ट एनरिचिंग ईयर्स। दैट टाइम वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसप्रूडेंस वॉज बीइंग एच्ड एंड द क्रेडिट मस्ट गो टू द देन ग्रेट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द शीयर कॉम्पिटेंस एंड एग्जूबरेंस ऑफ द लीगल स्टारवर्ड्स लाइक मिस्टर पालकीवाला, मिस्टर सीरवाई, मिस्टर फाली एस नारीमन, मिस्टर परासरन, मिस्टर जेतमलानी, मिस्टर देसाई, मिस्टर सोराबजी एंड मैनी मोर। दिस टू वॉज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन माई लाइफ। इट वॉज एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू कंप्लीटली डेडिकेट माई लाइफ टू द लीगल प्रोफेशन। आई स्टार्टेड वर्किंग इवन हार्डर। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई वर्क मोर देन एवर। दिस ऑल कंटिन्यूड फॉर good 2 decades before I was to face the next inflection point in my life, a major one, my elevation from the bar to the bench. I should really thank Honorable Justice R.V. Ravindran for my elevation to the High Court. It was not an easy decision. A transition from the bar to the bench calls for a lot of self-introspection and self-talk. I wish to reverberate what Maximilien Robespierre said during the French Revolution while calling everyone to listen the inner self. He said, and I quote, "Let us be generous towards good, compassionate with the unfortunate, inexorable with the evil, and just towards everyone," unquote. Finally, I end with a shloka that relate most with me. धर्मे सर्व प्रतिष्ठा प्रतिष्ठम तस्मद् धर्म पर वदन्ति धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। इट मीन्स दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फाउंडेड ऑन धर्म। हेंस धर्म इज द अल्टीमेट सुप्रीम। धर्म डिस्ट्रॉयज दोस हु डिस्ट्रॉय इट and dharma protects those protects it. Thank you. Jai Hind. ये श्लोक पढ़ते हुए जस्टिस नजीर ने कहा कि ये श्लोक उनके जीवन में बहुत मायने रखता है। गौरतलब है कि जस्टिस नजीर अयोध्या विवाद से लेकर ट्रिपल तलाक तक के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ में ये एकमात्र मुस्लिम जज थे। एक बातचीत में जब उनसे ये पूछा गया था कि उस फैसले को प्रभावित किए बिना वे चाहते तो बाकी जजों से उलट फैसला भी दे सकते थे, ऐसा करके वह अपने समुदाय में हीरो भी बन सकते थे, जिस पर जस्टिस नजीर ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि हिंदू पक्षों की हो गई और उसके बदले मुसलमानों को शहर में दूसरी जगह 5 एकड़ का भूखंड आवंटित किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।